पानीपत के सेक्टर 12 में घर के बाहर खड़ी क्रेटा गाड़ी को चोरी कर ले गए चोर, पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरा में हुई कैद। बता दें कि पानीपत के पोश इलाके सेक्टर 12 में घर के बाहर खड़ी क्रेटा गाड़ी को चोर चोरी करके ले गए, जिसकी शिकायत पीड़ित ने पुलिस को देते दी है। और वहीं आज कैमरे के सामने आकर पीड़ित ने बताया कि चोर रात करीब 2:15 बजे जो है गाड़ी के पास आए और गाड़ी के पीछे का शीशा तोड़कर गाड़ी में घुसे और करीब 3:30 बजे वो गाड़ी को लेकर वहां से रफू चक्कर हो गए, जिसको लेकर उन्होंने बताया कि इसकी उन्होंने शिकायत पुलिस को भी दी है। और उन्होंने यह भी बताया कि पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। जानकारी देते हुए पीड़ित यजुर गुलाटी ने बताया कि करीब 1.5 घंटा जो चोर है वो गाड़ी के अंदर रहे। तस्वीरें भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि गाड़ी का वोल्ट खोलते 2 व्यक्ति नज़र आ रहे हैं। बता दें कि इस तरह से पोश इलाके में चोरी हो जाने से जहां अब पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी स्थानीय लोगों ने सवाल खड़े किए हैं, वहीं तस्वीरें देख सकते हैं कि पूरी वारदात चोरों की ये सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। पीड़ित और जो गाड़ी के मालिक है यजुर गुलाटी, उनसे आज बातचीत हुई, जिसमें उन्होंने कैमरे के सामने बताया कि ये उनकी गाड़ी है और जिसको चोर चोरी करके ले गए हैं, लेकिन अभी तक भी शिकायत देने के बाद भी गाड़ी का और चोरों का कुछ अता पता नहीं चल पाया है। क्या कुछ कहा उन्होंने क्रेटा गाड़ी की चोरी की जानकारी देते हुए, वो भी आप सुनिए। कौन सी गाड़ी थी सर? क्रेटा गाड़ी थी और कल रात को करीब 2:15 बजे के करीब चोर आए और 1.5 घंटा गाड़ी के अंदर बैठे रहे, कुछ अपना तारों से कुछ करा होगा बिना चाबी के खोलने के लिए, और करीब 3:30 बजे गाड़ी लेकर के चले गए। तो सर अभी शिकायत दर्ज करवा रखी है, अभी तक तो नहीं मिली, बाकी देखते हैं क्या होता है। किस तरह से गाड़ी के अंदर गए कुछ पता चला है?